हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग जीनियस गेम। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम तो लगभग आ ही गया है और गर्मियों के मौसम में कूलर और फैन के बिना तो रह ही नहीं सकते, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये किसी काम के नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज हम बनाने वाले एक रिचार्जेबल टेबल फैन। फ्रेंड्स, ये फैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हैं। इस फैन को बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शुरू करते हैं। हमें इसको इस प्रोपेलर के शेप में फोर पीसेस काटने हैं इसके। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because. Friends, आप देख सकते हैं हमारा प्रोपेलर कितना अच्छा लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम शॉप से खरीद के लाए हो इसे। चलिए इसे टेस्ट करके देख लेते हैं वाइब्रेशन हो रही है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है।
अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार ये चार्जर इसका लोड नहीं उठा पा रहा है। प्लीज इसकी स्पीड कम करके देखते हैं। नहीं यार फिर भी काम नहीं कर रहा है। प्रोपेलर एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रही इसमें से।
फ्रेंड्स हमें दो USB पिन लेनी है, उनके वो वाले वायर निकालने जिसमें करंट फ्लो होता है, उनके प्लस से प्लस हमको ज्वाइन करना और माइनस से माइनस। हमें एक OTG की बल्ब लेनी है और इसका माइक्रो USB पोर्ट निकाल देना है और इसमें हमें तार ज्वाइन करने हैं दो। फ्रेंड्स की वायरिंग तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम ही कैसे होती है। बैटरी और मोटर को जोड़ना है, बस उसके बीच में एक स्विच लगा देना है और बैटरी के दो वायर्स को हमें OTG केबल से जो दो वायर आए हैं उसमें जोड़ देना है। बस हो गई हमारी वायरिंग कंप्लीट। फर्स्ट रन फैन का, वो फास्ट हवा दे रहा है। कितनी दूर तक चले, इसे हॉल में लेके चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक हवा देता है। ये तो सब देख सकते हैं फैन हमारा बहुत दूर है और यहाँ तक इसकी एयर आ रही है, और दूर जाते हैं यहाँ तक भी आ रही है, बस इतनी दूर तक। फैंसी ऑलमोस्ट 5 मीटर तो होगा ही। फ्रेंड्स मैंने इसमें से 3 वोल्ट की बैटरी यूज़ करी है और 3 वोल्ट की बैटरी में भी इसका पावर बहुत ज़्यादा है। अगर 12 वोल्ट की यूज़ करेंगे तो उसके मालूम इसका क्या होगा तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा फिर। पर 3 वोल्ट में भी इसका पावर बहुत ज़्यादा है।